दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह, नेता, चुनाव, प्रलोभन, विकास, छल सब मिलाकर जनता। नेता बनते ही राजनीति करने के लिए है। राजनीति का मतलब राज करते रहने की नीतियां बनाना, जैसे पीएम आवास, लाडली बहना आदि आदि। आत्मनिर्भर भारत की बात करते करते लोगों को सरकार पर निर्भर बनाने के पूरे हर संभव प्रयास जारी है। चुनाव आते ही नेता की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। चुनावी वर्ष में यह नेता सोते कब हैं समझ में नहीं आता। सुबह प्रभात फेरी से लेकर देर रात की पार्टियों में यह नेता पूर्णतः विनम्र संस्कारित बने हुए अक्सर मिल ही जाते हैं। चुनाव आने का नाम नेता सुनते ही इतने प्रलोभन बरसाने लगते हैं कि लगता है पति, पिता, भाई से अधिक चिंता यह नेता लोग करने लगे हैं। प्रलोभन में विकास के ऐसे सपने दिखाए जाते हैं जैसे स्वर्ग से भी अधिक सुख सुविधा बस इसी धरती पर जल्द मिलने वाली है। यह विकास, वह विकास, विकास ही विकास की बातें चारों तरफ सुनाई देती हैं। चुनाव संपन्न होते ही जनता जाग उठती है और जनता को पता चलता है उसके साथ छल हुआ है। 400 रुपए वाले गैस सिलेंडर को 1150 रुपए में करके 1000 रुपए चुनाव के समय लाडली बहना योजना में देकर कहा जाता है, गुणगान किया जाता है, हमें महिलाओं की बहुत चिंता है। भाई 20 वर्षों से सरकार में हो, 20 वर्ष तक महिलाओं की चिंता नहीं थी, 20 वर्ष बाद महिलाओं की चिंता होने लगी। पेट्रोल में 9 रुपए की जगह 32 रुपए से भी अधिक का टैक्स सरकार लेने लगी है। बिजली की दरें बढ़ने से बिजली के बिल कितने अधिक आने लगे हैं। आप लोग सिर्फ एक बात से समझें, जनता फूल है, सरकार मधुमक्खी। जो फूलों जनता से रस चूस कर निकालती है और सरकार शहद बना देती है, नेता मधुमक्खी के छत्ते हैं जो पूरा शहद पर अपना हक रखते हैं। किसी ने नेताओं के हक तरफ देखा, सभी मधुमक्खियां हमला बोल देती हैं। अब थोड़ा विकास के बारे में भी समझें। आपके घर के सामने अच्छी सड़क बनी है क्या? अगर बनी है तो विकास हुआ है। यह सड़क हर साल नहीं टूट रही है तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। आपके घर के सामने बनी सड़क के किनारे नाली का निर्माण हुआ है तो विकास हुआ है। नाली की सफाई समय समय पर हो रही है तो यह विकास है। सड़क के आसपास हरियाली है तो विकास हुआ है। पीने का शुद्ध साफ सुथरा पानी आ रहा है तो विकास हुआ है। बिजली बार बार बंद नहीं होती तो विकास हुआ है। शासकीय अस्पताल में आसानी से डॉक्टर मिल जाते हैं और आपको देख लेते हैं तो दवा लेने में दिक्कतें नहीं होती तो विकास हुआ है। अगर इलाज के लिए अन्य शहरों या बड़े शहरों की ओर नहीं भागना पड़ता, आपके शहर में ही आपको इलाज मिल जाता है तो विकास हुआ है। आपके बच्चे आपके शहर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो विकास हुआ है। आपके शहर में पर्याप्त रोजगार के अवसर हैं तो विकास हुआ है। अगर इनमें से कोई भी कमी रह गई है तो फिर विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यह हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे हम अभी भी वंचित हैं। अब विकास पाने का एक मंत्र जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके समझ में आए तो इसे अपनाएं, वरना विकास के इंतजार में एक दो पीढ़ी और टकटकी लगाएं। मंत्र यह है, जिसको एक बार कुर्सी पर बैठाएं उसे दूसरी बार का अवसर बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि अगला उससे बेहतर कर सकता है। ऐसे विचार मन में रखें। बार बार एक को मौका देने पर वह जनता को अपना गुलाम समझने की भूल करने लगते हैं।